If you're ready for the word, say yes, I'm ready for the word. अगर आप वचन के लिए तैयार हो तो आप कहें कि हाँ मैं वचन के लिए तैयार हूँ. All right, let's get into the word. So now this word which I'm sharing with you. अब ये वचन जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ. Very very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण है. So I want everybody to listen to this. मैं चाहता हूँ हर कोई इसे सुने. In God's providence. और हम देखते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार. God places hedges. Around his people. परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर सुरक्षा की दीवारों को खड़ा करता है. He places protection and blessing around his people. और परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर जो है अपनी सुरक्षा और आशीष को रखता है. Now please listen carefully. अब इसे आप बहुत ही सावधानी से सुनो. What are hedges? और हमारा जो सुरक्षा का घेरा है वो क्या है? You know, hedges are like a wall, a spiritual fence around और a person. सुरक्षा का घेरा जो है वो एक प्रकार का एक दीवार है जो किसी भी व्यक्ति के चारों ओर होता है. Like a fence around everything. और ये मानो एक कुंपन की तरह होता है. Now, if you read the scriptures, और अगर आप वचनों को देखें, you will find mention of these hedges in the Bible. सुरक्षा के घेरों को बाइबल में आप देखते हैं. I want you to look at the scriptures. मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को देखें. If you go to Psalm chapter 5, अगर आप भजन संहिता उसके 5 अध्याय में जाएं, and if you read verses 11 right और वचन 11 को पढ़ें, so please get into the word now. अब आइए सीधे हम वचन में जाएं. There it is on your screen now. और आपके स्क्रीन पर वचन Psalm 5 and verse 11. और भजन संहिता उसका 5 अध्याय वचन. But let all those rejoice who put their trust in you. परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करें. Let them ever shout for joy because you defend them. वो सर्वदा ऊंचे सर्व स्वर से गाते रहे क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है. Let those also who love your name be joyful in you. और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझमें प्रफुल्लित हो. Now read verse 12. अब वचन 12. For you, O Lord, will bless the righteous. क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा. With favor, you will surround him. Everybody says surround him. और तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा. With favor, you will surround him as with a shield. और कैसे घेरे रहेगा? अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा. A shield is a defensive weapon. हम देखते हैं कि एक ढाल जो है वो बचाव का एक साधन है. It's not an offensive weapon, it's a defensive weapon. और ये हमला करने का शस्त्र नहीं है, वो बचाव का एक शस्त्र है. So you see, God is saying, I will surround that person. So आप देखो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति को जो है सुरक्षा के घेरे से ढक लूंगा. With favor. अनुग्रह के द्वारा. So please understand this. और कृपया इस बात को समझे. Like a shield, God says, this favor will be like a shield. और ढाल के समान ये जो अनुग्रह है उनके चारों ओर होगा. The arrows of the enemy will not be able to penetrate you. और दुश्मन के जो तीर है वो आपके विरुद्ध में आ नहीं पाएंगे. What people are saying nonsense will not be able to touch you. और मूर्खता की जो बातें आपके खिलाफ लोग करते वो आपको छू भी ना पाएगा. Because favor will be around you. क्योंकि अनुग्रह आपके चारों ओर होगा. No matter what they do in your company, nothing will touch you because favor has surrounded you. Hallelujah. और आपके कंपनी में भले लोग जो चाहिए वो कर सकते हैं लेकिन कुछ आपको होगा नहीं क्योंकि भलाई और अनुग्रह ने आपको घेरे रखा. This is an example of a hedge. और ये जो है सुरक्षा के घेरे का एक उदाहरण. I want everybody to listen very carefully. मैं चाहता हूँ कि हर कोई बहुत सावधानी से सुने. So you see how hedges are mentioned in the Bible. और आप देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र में कैसे जो है सुरक्षा के घेरों का उल्लेख है. God always builds a hedge around the people that he loves. और परमेश्वर हमेशा जिन लोगों से प्रेम रखता है उनके चारों ओर सुरक्षा के घेरे को खड़ा करता है. And those who love him, God will put a hedge around those people. और जो उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर उनके इर्द-गिर्द जो है सुरक्षा के घेरे को कुंपन को रखता है. I want you to stop living in fear. मैं चाहता हूं कि आप लोग डर में जीना छोड़ दें. You know, some people, they are more scared of the devil than they are scared of God. और जितना कुछ लोग जो है परमेश्वर से नहीं डरते उससे कहीं ज्यादा वो शैतान से डरते. They pray only because the devil exists. और वो इसीलिए प्रार्थना करते क्योंकि शैतान का अस्तित्व है. If the devil was not there, अगर शैतान अस्तित्व में नहीं होता, they would have stopped praying also. तो वो शायद प्रार्थना भी करना छोड़ दे. Oh Lord, touch my son, touch my daughter, touch my this. Oh प्रभु, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को, इसे छू ले, उसे छू ले. Now why are they praying? अब ये प्रार्थना लोग क्यों करते? Out of fear. ये डर से वो डर के मारे प्रार्थना करते. So you can pray out of fear or you can pray in faith. या तो आप डर के मारे प्रार्थना कर सकते या आप विश्वास से प्रार्थना कर सकते. Today, the fear is gone. और आज डर जो है वो जा चुका है. Today you will walk in faith. Hallelujah. और आज आप विश्वास से चलोगे. When you love the Lord, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, don't worry about the devil. तो आप शैतान की चिंता God will put a shield of favor. Whoever is staying on the left and the right, don't worry. और दाहिने और बाएं और जो भी चाहे खड़ा हो आप चिंता नहीं करें. They throw water or they throw masala, nothing will touch you. चाहे वो पानी फेंके या फिर मसाला फेंके आपको कुछ होगा नहीं. Neighbor, nothing will touch me. और अपने पड़ोसी से कहे कुछ भी मुझे छुएगा नहीं. If it touches me, it has to die. Hallelujah. अगर ये मुझे छुएगा तो वो अपने आप रहेगा. So this is how it is. और इस तरह से ये काम करता है. You see, today's countries, today's nations. और आज के राष्ट्रों में.
they also have a defense system. और उनके पास भी बचाव की जो है सारी जो है एक प्रणाली होती है. I was reading that Israel has a defense, it has a dome where any missile will come, they have a defense system which surrounds them like a shield. और इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जिनके पास एक बचाव प्रणाली एक डोम की तरह है कि अगर कोई भी मिसाइलें उड़कर आती है तो उन तक पहुंचेगी नहीं, वो हवा में ही वो उनको खत्म कर देंगे. So imagine if a nation can do that. अगर कल्पना करें कि अगर एक राष्ट्र ऐसा कर सकता है, how much more God? तो कितना परमेश्वर कर सकता है? God knows how to protect His people. और परमेश्वर जानता है अपने लोगों की रक्षा कैसे. Psalm 18 and verses 2 onwards. और भजन 18 उसका वचन 2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. और यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मेरा बल और मेरी चट्टान है. My God, my strength in whom I will trust. और मेरा परमेश्वर जो है चट्टान छुड़ाने वाला जिस पर मैं भरोसा करता हूँ. Now notice over here. अब यहाँ पर ध्यान. My shield and the horn of my salvation. वो मेरी ढाल मेरी मुक्ति का सिंह है. My stronghold. और मेरा ऊंचा गढ़. You see what is a stronghold? आप देखो ऊंचा गढ़ क्या है? A stronghold is where you go into something and that thing surrounds you. और ये मजबूत गढ़ ऐसा होता है कुछ जहाँ पर आप जाकर छिप लेते शरण लेते हो और सब कुछ सारी बुराई से वो बचा लेता है. In the olden days, kings used to run to these forts. और पुराने दिनों में जो राजा महाराजा होते थे वो किलों में भागते थे. And they used to stay over there. और वो किलों में ही रहते थे. Outside the enemy shouting, screaming, nothing happens. और बाहर से दुश्मन चिल्लाता है गरजता है लेकिन कुछ नहीं होता. They had all the supplies, everything in that. और उस किले के अंदर ही जो है सारी सामग्री जो है उनके पास सारी रसद होती है. After screaming for some months, और कुछ महीने तक चिल्लाते रहने के बाद they themselves will और दुश्मन जो है खुद मर जाते थे. चले जाते क्योंकि वो एक मजबूत गढ़ में सुरक्षित जगह पर होते हैं. और भजन लिखने वाला कहता है, सराउंड मी लाइक अ स्ट्रॉन्गहोल्ड. और परमेश्वर मुझे किसी मजबूत गढ़ के समान जो है घेरे हुए हैं. नोटिस व्हाट इट सेज. और ध्यान दे यहां पर वो क्या कहता है. आई विल कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेज्ड और सो शैल आई बी सेव्ड फ्रॉम माय एनिमीज. वर्स 3. वो कहता है वचन 3 में, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाऊंगा. वी अंडरस्टूड दैट हाउ गॉड पुट्स अ हेज अराउंड हिज पीपल. हमने समझ लिया कि कैसे परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे को अपने लोगों की ओर बेखता है. Now point number 2, write this down. अब मेरा दूसरा मुद्दा इसे लिख ले. What happens when there is no hedge? क्या होता है जब सुरक्षा का कोई घेरा नहीं होता? I want you to listen to this very carefully. और हम चाहते हैं कि आप इसे बहुत सावधानी से सुने. What happens when there is no hedge? और क्या होता है जब कोई सुरक्षा का घेरा नहीं होता? You know, never take things for granted. और कभी भी बातों को जो है हल्के रूप से ना ले. You must thank God for His protection. हम परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है उसकी सुरक्षा के लिए. Go to Psalm 80:8-0. और आप जो है भजन संहिता 80 को निकालें. And read verse 12. और वचन 12 को हम लोग देखेंगे. It says, Why have you broken down our hedges? और क्यों तुमने जो है सुरक्षा के घेरों को गिरा दिया है? Why have you broken down the hedges? और क्यों तुमने सुरक्षा के घेरे को गिरा दिया है? So that all who pass by her way pluck her fruit. ताकि वो सब जो बटोई उसके पास से गुजरते हैं उन फलों को तोड़ते हैं. Because there is no hedge around that land. और क्योंकि वहाँ पर कोई बाड़ा कोई सुरक्षा का घेरा नहीं है. Anybody is coming and putting the hand to the fruit. कोई भी आता है और पेड़ पर लगे फल पर हाथ रखता है. See, God wants us to be fruitful. अब देखिए परमेश्वर आपको फलदायी बनाना चाहता है. God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्धि हासिल करें. और इस सेवकाई में भी Maybe in your job. और आपके कामों में भी Maybe in your business. शायद आपके व्यापार में God wants you to be fruitful and exceedingly fruitful. चाहता है कि आप फलदायी बने और बहुत ज्यादा फलदायी आप बन जाएं. So one of the things he does is, लेकिन एक बात जो वो करता है he puts a hedge around you. आपकी सुरक्षा के लिए आपके चारों ओर जो है बाड़े को बांधता है. Solomon was a very fruitful man. और सुलेमान जो है वो बहुत ही फलदायी व्यक्ति था. Do you know the hedge that God placed around him? क्या आपको मालूम है उसके चारों ओर जो सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर ने बांधा था? The hedge was the hedge of peace. और वो सुरक्षा का बाड़ा शांति का था. On the left, right, everywhere there was peace. और बाएं दाहिने हर जगह पर शांति थी. And because of that peace, hedge of peace. उस सुरक्षा के उस शांति के बाड़े के कारण That's why Solomon became prosperous. सुलेमान जो है काफी समृद्धवान मनुष्य बना. Peace can be a hedge. और हम देखते हैं कि शांति भी सुरक्षा का घेरा होता है. There is your like you're eating and you're just sleeping and say thank you Lord, this is so peaceful. और मानो जैसे कि आप सिर्फ खा रहे हो और सो रहे हो और इतनी शांति सुकून है आपके जीवन में. आप प्रार्थना कर रहे हो और बहुत ही सुकून आपके पास है. Nothing dramatic is happening but you are at peace. और नाटकीय रूप से कुछ हो नहीं रहा है, आपको पास बहुत बड़ी शांति है. I want to prophesy. मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं. In such an atmosphere you will grow. और ऐसे ही वातावरण में आप आगे बढ़ेंगे. Your marriage will grow, your family will grow. और आपके शादीशुदा जीवन बढ़ेगा. Now what happens is, अब क्या होता है? Many times, बहुत से बार, we have stupidity, we break the hedge. और कई बार हम अपनी मूर्खता से उस बाड़े को गिरा देते. God doesn't break a hedge. परमेश्वर कभी किसी बाड़े को गिराता नहीं है.
people break the hedge. Listen carefully. लोग उस बाड़े को गिरा देते। So what happens is? और क्या होता है? People come and abuse the fruit in your life. और लोग आते हैं और That's how many people they go from fruitfulness to fruitlessness. और इसी वजह से कई सारे लोग फलदाई होने के बाद अचानक से जो है उनमें कोई फल ही नहीं रहता। They shine for a season. और एक समय के लिए वो बहुत चमकते हैं। And then after that. और फिर उसके बाद They just fade away. और फिर वो मानो गायब हो जाते हैं। I want you to be careful. और मैं चाहता हूँ कि आप सावधानी से Understand this thing about The hedge. और इस जो बाड़ा है उस बाड़े के बारे में समझे। You must thank God for the hedge. और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है बाड़े के लिए। Otherwise your fruitfulness can turn into fruitlessness. नहीं तो आपका जो फलवंत होना है वो फल रहित दशा बन जाएगा। What you have attained will just fade away. और जो आपने हासिल किया है वो सब कुछ चला जाएगा। I want you to be careful. और मैं चाहता हूँ कि आप सावधानी रहें। Notice in the scripture it says everyone पर ध्यान दे। They took the fruit. उन्होंने जाकर फल तोड़ लिया। Very soon. और बहुत जल्दी. There will be no fruit. और बहुत जल्दी कोई फल नहीं होगा। So the hedge is very important. और जो सुरक्षा का घेरा है वो बहुत ही जरूरी है। If it is not there. अगर वो नहीं है. All that you built. और जो भी आप करोगे. It will go away. तो वो सब कुछ चला जाएगा। Now today let us go into the third point right और now. और आइए आज हम तीसरे मुद्दे में जाएं। How to build a hedge? कैसे बाड़े को बनाया जाए? Today we will look at one thing. आज हम एक बात देखेंगे। Go with me to the book of Job chapter 1. और आप अय्यूब की किताब में जाएं। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय Let us get the word of God. और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। Job chapter 1 verses 8. अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय वचन 8. Always go into the word of God. और हमेशा परमेश्वर के वचन में जाएं। Yes, I believe in miracles. I मैं believe, yes. चमत्कारों में यकीन करता हूं। But I also believe in the word of God. और मैं वचन में भी परमेश्वर के विश्वास करता हूं। Job chapter 1. अय्यूब नबी की किताब उसका पहला अध्याय। When the devil speaks, we must not listen. देखिए जब शैतान बात करता है तो हमें सुनना नहीं है। But when the devil is speaking to the Lord, that time you must listen. जब शैतान परमेश्वर से बात करता हो, उस समय आपको सुनना चाहिए। Because with the Lord, he cannot do any fake stuff. और क्योंकि वो प्रभु के साथ कोई जो है वो दाव पेच नहीं कर सकता, कोई वो अकलमंदी दिखा नहीं सकता। The Lord is speaking. यहाँ पर प्रभु अब बात कर रहा है। To Satan and Satan is speaking to the Lord. और वो शैतान से बात करता है और शैतान परमेश्वर से। See now. And the Lord said to Satan. और यहोवा ने शैतान से पूछा। Have you considered my servant Job? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? There is none like him. उसके जैसा कोई नहीं है। A blameless and an upright man, one who fears God and shuns evil. और उसके जैसा तुल्य, खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। I believe even today. और मैं विश्वास करता हूँ आज भी। God speaks about us, His children. परमेश्वर हमारे बारे में बात करते हैं। Satan is an accuser. देखिए शैतान दोष लगाने वाला है। He is always jealous. वो हमेशा जलन से भरा हुआ। You know, have you seen mothers? क्या आपने माओं को देखा? For them, their baby is the most cutest baby. और उनके लिए उनका बच्चा ही सबसे ज़्यादा जो है सुंदर ऐसा बच्चा होता है। देखो देखो मेरा बेटा देख देख कैसा कर रहा है। और देखो देखो मेरा बेटा कैसा कर। But for every mother, their baby, for every father. Yeah, baby is the cutest baby on the planet. Come on, yes or no? और किसी भी माँ के लिए या किसी भी पिता के लिए उनकी संतान धरती पर सबसे ज्यादा जो है सुंदर दिखने वाले बच्चे। So in the same way. और ठीक उसी तरह से। God always boasts about us. परमेश्वर हमारे बारे में भी डींग मारता है। Look, 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 how he's growing. Don't think you are only boasting about your children. और ऐसा मत सोचो आप ही अपने बच्चों के ऊपर जो है घमंड कर रहे हो, डींग मार रहे हो। When the child, you know, I've seen the mothers. When the child dances on the stage, you should see the mother's eyes. Oh, they look like that at their son or daughter. और देखो जब कोई बच्चा स्टेज पर डांस करता होता है तो उनकी माँ कैसे ध्यान देकर देखती है। वो थोड़ा स्टेप मिस भी होगा। अरे क्या नाचा बेटा तू, क्या नाचा। That's a mother's love. और ये माँ का प्यार है। Fathers don't show it. और कभी कभी पिता दिखाते तो नहीं है। Inside they're very proud. लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत ही गर्व होता है। As a father, I speak it, you know? और एक पिता के नाते मैं बात कर रहा हूँ। But we are more prouder than the mothers. लेकिन हम कई बार माओं से ज्यादा हमें गर्व होता है। Proud of their children. और महिलाओं की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा वीडियो जो है फॉरवर्ड करेंगे अपने बच्चों की। Now, Satan is so jealous. अब शैतान इतना जलन से भरा हुआ। See what he answers the अब Lord. देखो वो क्या कहता है प्रभु से। So Satan answered the Lord and said, और फिर शैतान ने जो है यहोवा को उत्तर दिया। Does Job fear God for nothing? और क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? Have you not made a hedge around him? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर। So, now watch this. अब सुनो इसे। Satan is saying, शैतान कह रहा है, God, परमेश्वर, you have made a hedge around Job. और तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़े को बांधा है। Second,
और दूसरी यू हैव मेड अ हेज अराउंड हिज हाउसहोल्ड और तूने उसके घर के चारों और परिवार के ओर भी बाड़ा बांधा है. थर्ड और तीसरी यू हैव मेड अ हेज अराउंड एवरीथिंग दैट ही हैज और जो कुछ उसके पास है उस पर भी तूने बाड़ा बांधा अराउंड हिज बिजनेस उसके व्यापार अराउंड हिज कार उसके कार अराउंड हिज प्रॉपर्टी और उसकी संपत्ति एवरीथिंग देयर इज अ हेज और हर एक बातों की चारों ओर सुरक्षा का घेरा है. आई कैन नॉट टच इट मैं उसे छू भी नहीं सकता. दिस इज द डेविल स्पीकिंग यहां पर ये शैतान है जो बात कर दो. आई एम अ पावरफुल आर्क एंजल. I cannot touch this man Job. I cannot touch his job. I cannot touch anything about him because God, you have created the hedge. और आप देखो शैतान यहाँ पर दूसरे अर्थों में ये कह रहा है कि मैं भले ही स्वर्ग का प्रधान दूत था लेकिन इसके बावजूद मैं अय्यूब को छू नहीं सकता. मैं उसकी नौकरी को छू नहीं सकता. उसके कार को छू नहीं सकता क्योंकि हे परमेश्वर तूने उसके चारों ओर बाड़े को बांध कर रखा है. God has built a hedge around his people. परमेश्वर ने अपने लोगों के चारों ओर बाड़े को बांधा. You put your faith in Jesus. आप यीशु पर अपना विश्वास रखें. No witchcraft power will touch you. कोई जादू टोने की शक्ति आपको छुएगी. You can sleep in the midst of the war peacefully because the angel of the Lord shall surround you. Hallelujah. और आप लड़ाई के बीचों बीच शांति से लेट सकते हो क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर आप पर निगाह रखे हुए. You have to understand this teaching. और आपको ये शिक्षा समझनी चाहिए. You don't have to worry about attacks in the night. और रात में जो हमले होते हैं उससे आपको डरना नहीं है. The devil has to worry about it. और शैतान को इसके बारे में चिंता करनी है. You will sleep like a baby. Hallelujah. आप छोटे बच्चे के समान सोएंगे. God has built a hedge around you. परमेश्वर ने आपके चारों ओर सुरक्षा के घेरे को रखे. So here we see. और यहाँ हम देखते हैं. Job was a man. और अय्यूब एक पुरुष था. But why he was so prosperous? और नबी अय्यूब जो है वो क्यों इतना समृद्धि उसने हासिल की? Because God had put a hedge around everything. क्योंकि परमेश्वर ने अपने जो है व्यक्ति अपने बच्चों की और चारों ओर सुरक्षा का घेरा रखा. Now we come to the important point. अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है. How do we build a hedge? कैसे हम बाड़े को तैयार करते हैं? The first thing. पहली बात. You have to understand. सबसे पहली बात जैसे आपको समझना है. That how do you build a hedge? कैसे आप बाड़े का निर्माण करते हैं? The first thing is that you must put your faith totally in the Lord Jesus Christ. और आपको पूरी तरह से अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है. And you must walk righteous life. और आपको धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए. Believing in his ways. उसके मार्गों पर विश्वास करते हुए. Such a person. और ऐसा व्यक्ति will have God's hand upon his life. परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पर हो. You may be a very ordinary person. आप शायद बहुत ही साधारण व्यक्ति हो सकते हैं. But they please the Lord. और वो जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं. God's hand will be upon them. परमेश्वर का हाथ उन पर होगा. Though you walk through the valley of darkness. और चाहे आप अंधकार से भरी हुई घोर तराई से होकर क्यों न जाए लेकिन उसकी उपस्थिति आपके साथ His रहेगी. presence will be with you. और उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी. Many years ago, बहुत सालों पहले, I was invited in a place. I will मुझे not take आमंत्रण the name of मिला place. था एक जगह पर. When we reached over there, जब हम वहाँ पर पहुँचे, it was already 7 o'clock. I'm not lying to you. Somebody. सात बज गए थे. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. हमें से कुछ लोग इस बात को जानते हैं. And it was a village. और ये गांव का एक जो है स्थान था. It was very dark. बहुत ही अंधेरा था. So they brought us over there. और वो जो आयोजक थे हमें वहाँ पर लाए. And they kept my team. We were like 4 or 5 people and 2 sisters. You know. So those 4 men they kept in one room. And because I was the main preacher, they gave me 1 separate room. और हम चार जो है पुरुष थे और 2 बहनें थी तो उन्होंने 4 में से मुझे जो एक अच्छा अलग कमरा दिया और जो बाकी जो जो बच्चे थे उनको एक अलग से कमरा दिया और स्त्रियों को अलग कमरा दिया. Now the here's the deal. अब यहाँ पर आप देखें. So they took me. और वो मुझे ले गए. They said, Pastor, your room is right over there. और उन्होंने कहा पास्टर आपका कमरा सीधे वहाँ पर है. It was very dark. बहुत ही अंधेरा था. It was a village. और गांव का ये जगह थी. And the grass was nearly, I'm telling you, I'm only 5'6", 5'7". That thing was like, you know, so tall the grass was. So we were going through the grass. और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मेरा कद है वो 5'7" होगा, 7 होगा. और वहाँ की जो घास थे वो हमसे भी कद में बहुत बड़े जंगल थे. और पूरा जंगल से भरा हुआ इलाका था. और हम उसमें से गए और अंत में हम गए और हमने जाके दरवाजा खोला. And the sisters also, they put somewhere else. और हमारे बहनों को भी कहीं दूसरी जगह पर उन्होंने रखा. In the night, रात में, I was praying. मैं प्रार्थना कर रहा था. Usually I pray in the night. मैं आमतौर से रात में ही प्रार्थना करता. Night, रात में, 1 o'clock. 1 बजे. There's a knock on my door. मेरे दरवाजे पर दस्तक आई. Who's there? मैंने कहा कौन है? Nobody. कोई आवाज नहीं. After some time. और कुछ समय बाद. I'm telling you the truth. मैं आपको सच बोल रहा हूँ. Something is scratching at my door. और कुछ तो मेरे घर के और जो है मानो कुछ. Now things are coming in my mind. कुछ नोचा जाने का आवाज आ रहा था. I burn that spirits in Jesus and get out. मैंने कहा मैं उस आत्मा को प्रभु बांधता हूँ यीशु के नाम से जाओ. मैं अकेला था. For nearly
400-500 meters, nobody is there. 400-500 meters तक कोई भी साथ में नहीं था. और घना अंधकार, घना अंधियारा था. मैंने कहा, Bible, I was on my knees on the bed. मैंने अपने बाइबल पढ़ी. Floor also was not proper. और मैं अपने घुटनों पर था. फर्श भी कुछ अच्छा नहीं था वहाँ पर. And some, you know, that door was broken, so that some frogs were coming inside. Small frogs. और उस घर का दरवाजा really? भी टूटा हुआ था, तो छोटे छोटे जो मेंढक होते हैं, मेंढक अंदर आए. मेंढक आओ, कुछ भी आओ, मैं प्रेयर किया, सो गया. और मैं प्रार्थना करके Next सो गया. Day, और अगली सुबह I opened the door. मैंने दरवाजा खोला. Do you know where my house was? आपको मालूम मेरा घर कहाँ था? It was in the midst of a cemetery. और वो घर जो है कब्रिस्तान के बीचों बीच था. It was not a Christian cemetery, some other things. और ये कोई people here and there. ये कोई मसीही कब्रिस्तान नहीं था. वहाँ पर कोई भी किसी को भी मरे हुए को दफना देते यहाँ वहाँ और चले जाते. और मैं उसके बीचों बीच था. और मैंने कहा, अरे ये तो कब्रगाह है. All the people, ऐसे यहाँ जबकि किसको जगह नहीं मिलती गाड़ने को, यहाँ पे गाड़ देते. तो सभी लोग बोलते थे किसी को जो है गाड़ने के लिए जगह नहीं मिलती, यहीं पर लाकर सुला है तुम लोग. मैंने कहा, अरे मुझे क्या कब्रिस्तान में आपने सोने के लिए आप लेकर गए. बोले हाँ, रूम इधर है, इधर सो जाओ. तो मैंने, उन्होंने कहा हाँ इधर रूम है. फर्स्ट डे आई डिड नॉट नो. आप देखिए, पहले दिन मुझे पता नहीं था. नेक्स्ट डे, अगले दिन, नाउ द थिंग, नाउ यू ऑलरेडी नो वेयर आई एम. अब आपको अब मालूम पड़ चुका है मैं कहाँ हूँ. नेक्स्ट डे नो व्हाट द लॉर्ड सेड. और अगले दिन प्रभु ने क्या कहा मालूम है. फर्स्ट डे यू डिड नॉट नो. और पहले दिन तुम्हें तो पता नहीं था. यू हर्ड द नॉकिंग, यू हर्ड द स्क्रैचिंग, यू हर्ड एवरीथिंग. दस्तक को सुना और वो नोचे जाने की आवाज को सुना. एंड आई यूज्ड टू हियर द साउंड लाइक दैट. मैं इस तरह की आवाजें सुनता था. I said, some drunkard fellow must be in the other room. मैंने कहा कोई शराबी होगा जो शायद ऐसा आवाज निकाल रहा है. अगले दिन the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, go and sleep. जा और जाकर सो. My angels are standing all around you. Hallelujah. So they asked me, you want to stay there? I said, today I will stay there. और उन्होंने कहा, आप आज रहना चाहोगे? मैंने कहा, next day, now for the glory of God. और अगले दिन परमेश्वर की महिमा के लिए. I said, I cover this house with the blood of Jesus. मैंने कहा, मैं इस घर को यीशु के लहू से ढक देता हूँ. That day my prayer was extra little. और उस दिन मेरी प्रार्थना बहुत ज्यादा strong थी, बहुत मजबूत थी. That day, उस दिन, no knocking. कोई दस्तक नहीं, no scratching, और कोई नोचने का आवाज नहीं, और कुछ भी नहीं. That my team was calling me, everything okay? और I said, put your phone off, hallelujah. ये सब कुछ सही है. मैंने कहा, अपना फोन रखो. I want to tell you, मैं आज कहना चाहता हूँ, God's hedge is real. वो वास्तविक है. And this is not a story, this has happened in my life. और ये कोई कहानी नहीं, ऐसा मेरे जीवन से साथ हुआ. और मुझे अगर मत बताओ, I was attacked in the night. और रात में मुझ पर हमला हुआ. The Lord made me to sleep in a cemetery in the night. प्रभु ने रात में मुझे कब्रिस्तान में सुलाया. What you're talking about attack in the night? और क्या बात कर रहे हो, रात में हमला हो रहा है, हमला no, हो रहा sir. है. नहीं. Put that hedge, check your life proper and say, Lord, I build this hedge around you in Jesus' name. Hallelujah. जीवन की जांच करो और कहो, प्रभु मैं आपकी सुरक्षा के बाड़े को बनाता हूँ. Secondly, how do you build a hedge? कैसे आप बाड़े का निर्माण करते हो? Through prayer. प्रार्थना के जरिए. Through prayer. प्रार्थना के जरिए. Claiming the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो है उस पर दावा करते हो. आपको कहना चाहिए, You shall give your angels charge over me. तू अपने फरिश्तों को मेरी चारों ओर आज्ञा देगा. To keep me and to guard me. और मेरी रक्षा करने और मुझे. Speak the word in prayer. प्रभु के वचन को प्रार्थना में बोलो. And in this way, और इस प्रकार से hedge will be built. और वो बाड़ा है उसका निर्माण होगा. I want to tell you for God's glory. आज परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ. This is how it is. और इस प्रकार से I have walked through villages. मैं गांवों में गया हूँ. I'm telling you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ. And one day I and my wife was walking. और एक दिन पास्टर जी उनकी पत्नी चल रहे थे. And she is so petrified, you know. Sometimes, you know. So I said, Anita, there are snakes over here. और कई बार जो है पास्टर जी की पत्नी वो घबरा जाती है. और पास्टर हर जगह पर उन्हें ले जाते हैं. तो एक बार पास्टर ने कहा, she will scream, कि यहाँ पर बहुत सारे सांप घूमते हैं और एक सांप को देखकर वो चिल्लाई. और उन्होंने कहा, मुझे क्यों आप साथ में लाए? I said, don't worry. मैंने कहा, चिंता मत करो. Let them do their job. और उनको उनका काम करने दो. Let us do our job. हम अपना काम करेंगे. The hedge of God is there. परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए. Now let us look at how Job built. अब आइए देखिए कैसे अय्यूब ने जो है. Stop living in fear. अब डर में जीना छोड़ दे. Start living in faith. और विश्वास में जीना शुरू. The Bible says, the just shall live by faith. हालेलुया. बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे. कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास. विश्वास से जीवित रहेंगे. विश्वास से. विश्वास सिर्फ स्टेज पे नहीं होना चाहिए, विश्वास रोजमर्रा की जिंदगी में होना चाहिए. अब चाय भी विश्वास से पी. बोलो यीशु मसीह की जय. बोलो पी लो. धन्यवाद प्रभु ये चाय के लिए. थोड़ी ज्यादा कड़वी है लेकिन चलेगा. प्रेज द लॉर्ड. ऑलवेज यू द जस्ट शैल लिव बाय फेथ. लुक एट समबडी. कम ऑन. विश्वास से जिएगा. द लास्ट वन. और आखिरी. हाउ डू वी बिल्ड अ हेज. कैसे हम सुरक्षा की बाड़ा का निर्माण करते हैं?
We have to be trusting in the Lord, trusting in His word. सबसे पहले तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए. Secondly, दूसरी बात, through prayer, claiming the promises of God. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दावा करना. And the third way, और तीसरा जो प्रकार है, Job chapter 1 verse 5. This is so important. अय्यूब उसका पहला अध्याय वचन 5. Now look at how Job built in the Old Testament. He built his hedge. अब देखो कैसे अय्यूब ने सुरक्षा के घेरे का निर्माण किया. So it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify his children. और जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता. इन योर फैमिली, आपके परिवार में, sometimes everybody is not a believer. हर कोई विश्वासी नहीं होता. Everybody is not a Christian. हर कोई मसीह नहीं Just होता. Just because you are shouting hallelujah, they must be not saying that. और क्योंकि आप चिल्ला रहे हो hallelujah, इसलिए जरूरी नहीं कि वो भी चिल्लाएंगे hallelujah. But you are the priest of the house. लेकिन आप घर के याजक हो. You are the intercessor of the house. आप घर के मध्यस्थ हो. Yes, sometimes the wife is in the Holy Spirit. और कई बार पत्नी पवित्र आत्मा से भरी होती है. Husband is watching IPL. और पति जो है IPL का मैच देखता है. Sometimes husband and wife are in the Lord. और कई बार पति पत्नी प्रभु में होते हैं. And the children are just having fun. और बच्चे दुनियादारी में मजा ले रहे हैं. No. You are the priest of the house. आप घर के याजक. So Job was a responsible person. So अय्यूब एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था. So now what he did? अब वो क्या कर रहा है? He would rise early in the morning. और वो प्रति भोर को उठता था. And he would offer burnt offerings. और तब वो जो है भोर को उठकर होम बलि चढ़ाता था. Not only for himself. और खुद के लिए ही नहीं. For the number of them all. और उसके घर में जितने लोग थे उन सभी. So he used to offer, like suppose he had 3 children, so he would offer for all those people. और अगर मान लीजिए उसके तीन बच्चे थे तो वो तीन सभी के लिए जो है होम बलि चढ़ाता था. For Job said, अय्यूब ने कहा, what if my sons have sinned and cursed God in their hearts? और कदाचित मेरे लड़कों ने पाप किया होगा, परमेश्वर को छोड़ दिया हो. और इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता. He didn't do it once a year, he did it regularly. और उसने साल में एक बार नहीं, वो हमेशा ऐसा करता था. My friends, my people of God, listen to me. और मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों, सुनो. Don't curse your family. अपने परिवार को श्राप मत दो. You should not say, oh, that fellow is an idiot, he's a rascal. और आपको ये नहीं कहना है कि अरे वो तो बहुत ही जो है मूर्ख है. No, he's like that only. Let और him go to ये ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं. Jesus died for your family. यीशु आपके परिवार के लिए मरा. You have to love your family. आपको अपने परिवार से प्रेम करना. How can you win the others when you are not caring about your own family? और आप कैसे दूसरों को जीतेंगे जब आपको अपने परिवार की कुछ पड़ी नहीं है, उनकी आप परवाह नहीं करते. I want you to understand this. मैं चाहता हूँ कि आज इस बात को. The one thing he did. और एक बात उसने की. He offered the burnt offering. और उसने होम बलि चढ़ाया. Now what does it mean in the New Testament? और नए नियम में होम बलि का मतलब क्या है? Does it mean that you have to take your neighbor's chickens and burn them? You know? और क्या इसका मतलब ये है कि पड़ोसी की मुर्गी लेकर उसको वेदी पर चढ़ाए और आग लगाए? No sir. नहीं ऐसा. You will have a big fight in the morning. और नहीं तो फिर सुबह बहुत बड़ा झगड़ा होगा आपका पड़ोसी से. No, that's not the way it's done. नहीं इस तरह से नहीं होता है. What you have to do is. आपको क्या करना है? You have to apply the blood of Jesus which was shed on the cross of Calvary. और आपको यीशु के लहू को लगाना है जो कलवरी. So you must pray like that. और आपको प्रार्थना. I cover myself with the blood of Jesus. मैं आपको यीशु के लहू से. I cover my papa, my dada, my mama, and all the people. You take their names and apply the blood of Jesus. और आप हर एक का नाम ले, चाहे फिर वो आपके माँ हो, पिताजी हो, बच्चे हो, सबका नाम लेकर बोलो मैं यीशु का लहू लगाता हूँ. And you do this regularly. और इसे नियमित रूप से करें. In this way you build a hedge over your family. और इस तरह आप अपने परिवार पर जो है आप जो है बाड़े को बनाते हो. And I'm telling you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ. Nothing will be able to penetrate that hedge. और कुछ भी ऐसी कोई दुष्ट की शक्ति नहीं है जो उस सुरक्षा के बाड़े को जो है तोड़कर अंदर जाए. 10 years ago I read this book. बहुत सालों पहले मैंने ये किताब पढ़ी. In this book, इस किताब में, this book was written by a ex-witch. और ये किताब जो है एक भूतपूर्व जो है जादू टोना करने वाले व्यक्ति ने लिखा था. And in that she mentioned this story. और इसमें जो है उन्होंने ये कहानी बताई. One day, some people came to her. कुछ लोग उसके पास आए. And said, और कहा, this new fellow is come in the town. और ये एक नया व्यक्ति शहर में आया है. And we want you to kill him. और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जादू टोने की शक्ति से उसे मार डालो. In the night you do something and kill that fellow. रात में तुम कुछ जो है जादू टोना करो और उसको मार डालो. So she said, okay. उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ. It's so easy. और बहुत ही आसान है मेरे लिए. So they gave her lots of money. और उन्होंने बहुत से पैसे उसे दिए. And she started working in the night. और रात में फिर उसने अपना काम चालू किया. And she sent her demons. She had demons under her. और उसकी अधीनता में कुछ दुष्टात्माएं थीं. And she sent those demons to that man's house. और उस दुष्टात्माओं को उसने उस मनुष्य के घर भेजा. When you know in the spirit also she was traveling, she was seeing. और फिर आत्मा में भी वो स्त्री जो है उन दुष्टात्माओं के साथ जा रही थी. When she reached that house, जब वो उस घर के पास गई, she saw that all around the house. और उसने देखा उस घर के चारों ओर, there were 9 foot
fellow standing. और 9 फुट के लोग खड़े थे. They were standing with a huge sword, like in Star Wars series. और वो एक बहुत बड़ी तलवार लेकर खड़े थे, जैसे मानो Star Wars की सीरियल में होता है. All around the house. और वो उस घर के चारों ओर खड़े थे. And she thought. और उसे लगा. Maybe this fellow is a very top man. शायद ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है. So he has hired the security. और उसने जो है सुरक्षा कर्मियों को काम पे लगा है. That's why these fellows are standing even at 2 o'clock in the night. इसीलिए रात की 2 बजे भी ये लोग खड़े हैं घर के चारों ओर. They were like big tall fellows. Some fellows standing. बहुत ही कद में ऊंचे लोग अपने हाथ में तलवार थामे हुए खड़े थे. The demons and she came down. So dushtatmaye jab niche aayi. When they came near the house. Jab wo ghar ke nazdeek aayi. The fellows, all of them looked at them. Aur dushtatmaon ki aur un sabhi logon ne dekha. And suddenly they were paralyzed. Aur achanak se jo hai wo dushtatmaye jo hai unko lakwa mar gaya. And the demons are screaming now. Aur dushtatmaye ab chilla rahe hain. She was also paralyzed. Aur wo bhi usse bhi lakwa mar gaya. Now she is not in the body. Her body is paralyzed. Ab dekhiye wo sharir mein hai nahi lekin sharir ko lakwa mar gaya. Next day the people found her. They put her in the hospital. और अगली सुबह लोगों ने उसे पाया, उसे अस्पताल में डाला. एंड नाउ शी इज पैरालाइज्ड. अब उसे लकवा मार गया. बिकॉज़ हर स्पिरिट इज आउट. क्योंकि उसका आत्मा शरीर से अलग था. अब उसका आत्मा को लकवा मार चुका था. गेस हू कम्स. अब हम देखते हैं. दैट सेम मैन कम्स. अब वही व्यक्ति जिसके ऊपर जादू टोना किया था वो आया. जादू टोना करने वाले थे. And he prays for her in the, with the blood of Jesus. वो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति के लिए तेल से प्रार्थना करता है. Within 2 days she's healed. 2 दिन में उसको चंगाई मिलती है. She goes and says sorry to him. और वो जाकर उस सज्जन से माफी मांगती है. And she asks him. और कहती है उनसे. Who are those 9 foot fellows? और पूछती है कि वो 9 फुट के लोग कौन थे? He says, I don't have any 9 foot fellows. और उसने कहा कि मेरे कोई ना जो है 9 फुट के कोई लोग मेरे पास नहीं. I am an ordinary pastor. मैं एक साधारण पास्टर हूँ. She says, what is a pastor? और उसने कहा पास्टर कौन होता है? Then he shared the gospel of Jesus. और फिर उन्होंने वहाँ यीशु के सुसमाचार को बताया. And he said, और उसने कहा, every night, और हर रात before sleeping, सोने के पहले, me and my family members, मैं और मेरे परिवार के, we apply the blood of Jesus on our house. Hallelujah. यीशु के लहू को लगाते घर पर. She said yes. और उसने कहा हाँ. That's why I was seeing your house fully red. और इसलिए मैंने आपके घर को लाल रंग में देखा. People of God. परमेश्वर के लोगों. The blood of Jesus is a powerful hedge. Hallelujah. यीशु का लहू जो है वो सर्वशक्तिमान है. I want you to open your mouth and shout the blood of Jesus. और हम कह चाहते हैं कि आप अपने मुंह को खोलकर कहें यीशु प्रभावित हुए. The Lord is going to honor you today. और आज प्रभु आपको आशीष देगा, आदर करेगा आपका. If you're saying yes, say I receive right now. अगर आप हाँ कहते तो कहें मैं इसे ग्रहण करता हूँ. Whatever you lost. और जो भी आपने खो दिया, और जो भी आपसे छीन लिया, whether it is your family, whether it is your business, हो आपका व्यापार, whether it's your marriage, वो चाहे आपका घर हो, God is going to restore it. या आपका शादीशुदा जीवन हो, in the mighty name of Jesus, उसे बहाल करेगा यीशु. I want you to give Jesus a shout and praise offering right now. हम चाहते हैं कि आप यीशु के लिए जोरदार स्तुतिपूर्वक stand up in the name of Jesus.